में 1 अक्टूबर को एकजुट होकर 1 घंटे के लिए सुबह 10 बजे श्रमदान कर पूज्य महात्मा गांधी जी को स्वच्छ भारत की श्रद्धांजलि दें। स्वच्छता कार्यक्रम की अधिक जानकारी के लिए स्वच्छता ही सेवा जाने। आज 1 अक्टूबर को यहाँ दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा था, आज उसका अंतिम दिन है। इसी के अंतर्गत स्वच्छता अभियान शुरू किया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा। आज हर मंडल के अंदर ये कार्यक्रम किए गए। इसी बीच में चांदनी चौक जिला के अंतर्गत जो कार्यक्रम किया गया, इसमें चांदनी चौक जिला अध्यक्ष सरदार कुलदीप सिंह जी हमारे बीच में हैं। अभी अभी यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विजयंत पांडा जी, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। तो चलिए बात करते हैं इस कार्यक्रम के बारे में और पूछते हैं कि क्या कुछ खास था। कुलदीप सिंह जी पहले तो बताएंगे जो आज का कार्यक्रम था, किस निमित्त किया गया और इसका क्या उद्देश्य था। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे के पूरे देश के अंदर बिना किसी पार्टी के लाग लगाव के सभी पूरा देश जो है स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मना रहा है। जहाँ स्वच्छता ही सेवा का पखवाड़ा है वहाँ पर खुद भी श्रमदान जो है हमको करना है। इसके अंतर्गत पूरे जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी के 15 के 15 मंडल जो चांदनी चौक ज़िले में आते हैं आज इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। जहाँ इतने बड़े बड़े जो है और हमारा बड़ा से बड़ा नेता और हमारा छोटे से छोटा कार्यकर्ता इस सेवा के कार्यक्रम के अंदर जो लगा हुआ है। और स्वच्छता का मतलब ये तो है ही कि अपने आसपास कूड़ा ना फैलाएं, कूड़े को कूड़ेदान तक जो है पहुंचाएं, और इसके साथ साथ ये भी है कि अपने मन को स्वच्छ रखें, अपने विचारों को स्वच्छ रखें, और इसके साथ एक देश के अंदर एक ऐसा वातावरण बन जाए जो स्वच्छता का वातावरण हो। ये जो आज की जो पॉलिटिक्स चल रही है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने की और इस हद तक गिर जाने की कि पर्सनल भी जो है वो उन पर आरोप लगाने जा रहे हैं, इन सब आरोपों से देश को मुक्त करके हमको अपने मन को, अपने जो है विचारों को, अपने तो अपने व्यवहार से हमको जो है देश को स्वच्छ बनाना है, वातावरण को स्वच्छ करना है और सफाई अभियान। और मेरा सभी लोगों से, यहाँ के जितने दुकानदार हैं, जितनी RWs हैं, मेरा सबको ये आह्वान है कि अपने आसपास जो है कूड़ा ना पड़ने दें। भारतीय जनता पार्टी वार्ड के जो निगम पार्षद हैं मनोज कुमार जिंदल जी हमारे साथ में, चलिए बात करते हैं मनोज जिंदल जी। वैसे तो ये सफाई का जो दायित्व है आपके विभाग के अंतर्गत आता है, एज अ निगम पार्षद आज का कार्यक्रम और कितना चैलेंजिंग रहा है बीते 10 महीनों का सफर? काम करने वाले को कोई चैलेंज नहीं होता, चैलेंज तो जो काम नहीं करते उनके लिए सारी ज़िंदगी बना रहता है। हम लोग सेवा कर यहाँ तक आए हैं, हमने राजनीति नहीं करी, हमने सामाजिक काम, धार्मिक काम और उसके बाद राजनीति करी है, और राजनीति भी स्वच्छ राजनीति करी है, किसी को ठगने वाली नहीं करी है, किसी को हानि पहुँचाने वाली नहीं करी है, समाज के हित में काम करने वाली राजनीति करी है, जिसका नतीजा हमारे को समाज ने इतना आशीर्वाद दिया कि दिल्ली से सबसे बड़ी जीत आई। और मैं स्वच्छता के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने 170 साल बाद जीवित कर दी कि 2 अक्टूबर का दिन, महात्मा गांधी जी की जयंती का दिन, इस दिन हम लोग उनको सच्ची श्रद्धांजलि जो है कैसे देंगे, अपने क्षेत्रों की सफाई व्यवस्था को संदेश के रूप में जनता के बीच में प्रस्तुत करते हुए कूड़े को कूड़ेदान तक पहुँचाने का श्रम दान कर जो हम बड़े लोग, हमारे समाज के प्रबुद्ध लोग, RWO के प्रेसिडेंट, मार्केट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, आपकी जो है अच्छे अच्छे धार्मिक एसोसिएशंस के जो प्रेसिडेंट, हम लोग मिलकर जब स्वच्छता अभियान के अंदर भागीदारी करेंगे तो जनता के बीच में एक संदेश जाता है कि हमको भी लगन के साथ जो है कूड़े को कूड़ेदान तक पहुँचाना है। और ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना भी है जिसको हम लोगों ने साकार करना है, सबने मिलकर साकार करवाना है और कूड़े को कूड़ेदान तक पहुँचाना। और एक बात और कहना चाहता हूँ, जो आम आदमी पार्टी ये कहती है कि हम जो है ये कूड़ेदान के पहाड़ जो ख़त्म कर देंगे, ये ख़त्म ये नहीं कर पाएंगे। हमारे आदरणीय नितिन गडकरी जी जो सड़कों का निर्माण कर रहे हैं, हाईवे का निर्माण कर रहे हैं, उन्होंने इसको चैलेंज के रूप में स्वीकार करा और उन्होंने ये कहा है कि जितना कूड़ा अब क्षेत्र के अंदर निकलेगा हम सड़क बनाने के अंदर इसका जो है भागीदारी करेंगे इस कूड़े की, जिसके कारण ये कूड़े के पहाड़ स्वयं जो है अपने आप ही जो है जमीन जद हो जाएंगे। और ये आम आदमी पार्टी झूठ बोलने की राजनीति करती है। पिछले 1 साल के अंदर इन्होंने क्या कूड़े के पहाड़, जिनको कहा था हमने 6 महीने में ख़त्म कर देंगे, अभी भी ऐसी की ऐसी हैं। मुझे मालूम है जिस दिन नितिन गडकरी जी की योजना बिल्कुल ज़मीनी लेवल पर आ जाएगी, कूड़े के पहाड़ स्वयं अपने आप ही धराशायी हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।
इसी बीच में हमारे साथ में शासीनगर मंडल के जो नव नियुक्त मंडल अध्यक्ष हैं चरण सेठी जी मौजूद हैं। चलिए बात करते हैं चरण जी, सबसे पहले तो आपको बधाई मंडल अध्यक्ष बनने के बाद। सबसे पहले आप हमारे से रूबरू हो रहे हैं, तो एक तो ये कि जिस तरह की राजनीति इस क्षेत्र में अभी तक चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही अंतर्द्वंद नजर आता था, उस ये चैलेंज है आपका ख़त्म करना, वो बातें तो हम बाद में करेंगे, लेकिन आज बात हो जाए जो मुद्दा है कूड़े को कूड़ेदान तक पहुँचाना, तो इसमें क्या आप आज के प्रोग्राम के बारे में कहना चाहेंगे? मैं दोनों बातों को अभी जोड़ देता हूँ। अगर कोई कहे जी यहाँ पे क्या राजनीति चल रही है, तो राजनीति का जवाब मैं आपको देता हूँ कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी का कार्यकर्ता है, और ये पार्टी कार्यकर्ताओं की है, और हम पार्टी के कार्यकर्ता हूँ इसलिए पार्टी के हम हैं। तो कोई ये कहेगी ये नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी या चरण सेठी की भारतीय जनता पार्टी, तो ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का चरण सेठी, ये इस थीम पे मैं यहाँ से काम करूँगा, और इसमें कोई कंट्रोवर्सी किसी बात की नहीं आएगी। हम कार्यकर्ता एकजुट हो गए यहाँ से, भारतीय जनता पार्टी का हर आह्वान मोदी जी का यहाँ से पूरा करेंगे। और आज जहाँ तक स्वच्छता की बात है, तो हमें आज सेवा पखवाड़े के अंतर्गत आज श्रमदान का दिन रखा गया था। नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं श्रमदान किया, और दिल्ली में क्या पूरे देश में बड़े बड़े नेता जमीन पे उतारे श्रमदान के लिए। उसी के अंतर्गत हमारे शास्त्रीनगर वार्ड से भी आज प्रत्येक कार्यकर्ता श्रमदान के लिए आगे आया, और ये श्रमदान लागू रहेगा। देश क्षेत्र में सफाई करने के लिए भरपूर प्रयास काउंसलर जी के द्वारा भी होंगे, और मैं चरण सेठी प्रण लेता हूँ कि मैं भी इसमें पूरा सहयोग दूंगा। तो यानी कि जो आज कार्यक्रम था स्वच्छता का, इसके अंदर यहाँ पर देखा कि राष्ट्रीय स्तर के बड़े बड़े नेता भी आए, और यहाँ पर चाहे ही भले ही सिंबॉलिक रूप से उन्होंने स्वच्छता अभियान का आह्वान किया हो, उसकी शुरुआत की हो, और उसके अंदर कहीं ना कहीं ये शुरुआत वो पहल थी, और वहीं आज यहाँ पर जो सफाई कर्मचारी थे, कई सफाई कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया, उन्हें प्रशस्ति पत्र भी दिया गया।